हाय दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज मैं आपके लिए लाया हूँ फोटोशॉप CS5 के अंदर हिस्ट्री ब्रश टूल और इरेजर टूल के बारे में। दोस्तों हम शुरू करते हैं। दोस्तों मैं आपको इसको समझाने के लिए सबसे पहले एक फ़ोटो ओपन कर लेता हूँ, ठीक है। तो दोस्तों मैंने ये फ़ोटो ओपन करा ना, तो दोस्तों सबसे पहले हम जानेंगे हिस्ट्री ब्रश टूल के बारे में। हिस्ट्री ब्रश टूल सिंपली सिर्फ कुछ इरेज करता है। यहाँ पर हमें कलर चेंज करना होगा और यहाँ पे हम इसको लेयर को डुप्लीकेट बना लेते हैं, उसके बाद इसको हम इरेज करते हैं, ठीक है। तो ये हिस्ट्री ब्रश टूल इसको इरेज करता है, ठीक है ना। तो किस टाइप से करता है दोस्तों, ये मैं आपको बताता हूँ। ऐसे इस टाइप से ये हिस्ट्री ब्रश पूरी हिस्ट्री को ब्लर करते हुए करता है। हमें पीछे का पोर्शन जो भी ब्लर करना हो वो इसे हम ब्लर कर सकते हैं, और कितना एरिया करना है वो यहाँ से ये सिलेक्ट करेगा। 50x करना हो तो 50x में आपको इसको वापस रिवर्स लेके जाता हूँ, ठीक है। अब जितने एक्स पे ये काम करेगा, जो भी आपको करना हो ब्लर, वो ये इस टाइप से ब्लर करेगा। अब यहाँ पे और आपको अगर कम करना हो तो आप यहाँ पे 10 पिक्सल कर दीजिए। इसको मैं वापस बैक लेता हूँ फुल एंड फाइनली, उसके बाद मैं इसको ब्लर करता हूँ। तो ये ठीक है, जितने एक्स आपको ब्लर करना है उतने एक्स ये ब्लर करेगा, ठीक है ना। और वो भी एक कलर को सिलेक्ट करके, ठीक है। यहाँ से आप इसकी टॉलरेंस वगैरह एडजस्ट कर सकते हो, इसको शॉर्ट लेना है, लॉन्ग लेना है, कुछ भी करना लेना है वो सिलेक्ट कर सकते हो। यहाँ से इसकी ओपासिटी कम ज़्यादा कर सकते हो, यहाँ से आप इसका टूल का साइज़ छोटा बड़ा कर सकते हो, ठीक है ना। ये ठीक है, हमें कुछ कम जगह अगर ब्लर करनी हो तो वो इस टाइप से करेगा, ठीक है। ओके, ये हमारा हिस्ट्री आर्ट ब्रश टूल हो गया, ठीक है ना। और हिस्ट्री ब्रश टूल सेम ही काम करता है। यहाँ पे इसकी ओपेसिटी कम ज़्यादा कर सकते हैं, इसको फ्लो कर सकते हैं, कितना फ्लो करना है इसका, ठीक है। और ये ब्रश की साइज। उसके बाद दोस्तों आता है हमारा इरेजर टूल। इरेजर टूल सिंपली फ़ोटो इरेज करता है, जो हम यहाँ पे कलर सिलेक्ट करते हैं उसका, ठीक है ना। ये नीचे वाला कलर जो भी हम सिलेक्ट करेंगे बैकग्राउंड कलर, वो यहाँ पे इरेज करके यहाँ पे कलर फिल कर देगा, ठीक है ना। ये एक सिंपल ही हो गया। ओके, उसके बाद मैं इसको पूरा इरेज कर देता हूँ आपके सामने, ठीक है ना। हमारे पास एक फ़ोटो था और ये पूरा हमने इरेज कर दिया। अब आपका बैकग्राउंड इरेजर टूल, तो जो ये आपका बैकग्राउंड है इसको पूरा ट्रांसपेरेंसी कर देगा ये, ठीक है ना। इसको हम अगर इरेज करेंगे तो ये ट्रांसपेरेंसी कर देगा ये इस टाइप से, ठीक है। ये बैकग्राउंड इरेजर है, इसके अंदर सिर्फ ट्रांसपेरेंसी रहेगा, बाकी पूरा का पूरा पोर्शन ये डिलीट कर देगा। इसको बैकग्राउंड इरेजर टूल बोलते हैं, ठीक है ना। उसके बाद अगर नेक्स्ट हमारा है मैजिक इरेजर टूल, ठीक है ना। इसके लिए मैं आपको एक फ़ोटो ओपन करता हूँ, वो फ़ोटो मैं आपको बताता हूँ कि हम किसी फ़ोटो का बैकग्राउंड इरेज सिंपली किस टाइप से करते हैं। ये वाला फ़ोटो लेते हैं हम, ठीक है। अब इसके अंदर एक कलर अलग है, यानी कि जो वाइट वाला कलर है वो अलग ही दिख रहा है, ठीक है ना। तो इसके अंदर ये बैकग्राउंड इरेजर टूल सिर्फ सिमिलर कलर यानी कि सेम कलर के फाइल को ही डिलीट करेगा। जैसे कि मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो इसने पूरा वाइट कलर जहाँ कहीं पे भी था वो डिलीट कर दिया और आपको एक परफेक्ट कटिंग कर दी है, ठीक है ना। तो ये इस टाइप से कटिंग करके आपको फ़ोटो इरेज करने में काम आता है ना। अगर इसमें समझ में नहीं आया तो मैं आपको एक और फ़ोटो ओपन करता हूँ कि यह किस टाइप से काम करता है। तो ये फ़ोटो ले लेते हैं हम, ठीक है ना। इसके अंदर दो कलर हैं, सॉरी तीन कलर है ना। तो ये सिर्फ वाइट कलर को इरेज करेगा। जैसे कि मैंने ये क्लिक करा तो इसने सिर्फ वाइट कलर जो इसके एरिया में आया वो इसने डिलीट कर दिया। अब मैं यहाँ क्लिक करूँगा तब ये वाइट कलर डिलीट करेगा, उसके बाद मैं यहाँ क्लिक करूँगा तो ये वाला डिलीट कलर डिलीट कर देगा, उसके बाद मैं रेड कलर पर करूँगा तो ये रेड कलर डिलीट करेगा, ठीक है ना। ये सिर्फ सिमिलर कलर यानी कि सेम कलर को ही डिरेज करता है, जैसे कि ये, ठीक है। और हमें एक ही क्लिक करना पड़ता है, बार बार हमें इरेजर घुमाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। अगर हम बार बार घुमाएंगे तो वो काम नहीं करेगा, हमें एक एक करके क्लिक करना है सिर्फ ये कलर सिमिलर कलर। उसके बाद यहाँ पे आप इसकी ओपासिटी बढ़ा सकते हो, यहाँ से इसकी टॉलरेंस यहाँ हम 100 कर देंगे, और उसके बाद फ़ोटो को हम वापस बैक लेके जाते हैं, ठीक है ना।
इसको हम बैक लेके आते हैं और यहाँ पे क्लिक करेंगे तो इसने वाइट कलर जहाँ कभी भी दिखा वो उसने पूरा डिलीट कर दिया। अब इसकी हम ओपासिटी कम करते हैं, ठीक है ना, यहाँ पे हम 50 कर देते हैं और अब इरेज करते हैं तो इसने देखो इस टाइप से इरेज करा, ठीक है। और इसकी हम ओपासिटी और कम कर देते हैं, 30 कर देते हैं और अब इरेज करते हैं, ठीक है ना, तो इसने इस टाइप से इरेज करा। तो ये हमारा हो गया इरेजर टूल, हिस्ट्री ब्रश टूल और इरेजर टूल, मैजिक बैकग्राउंड इरेजर टूल और मैजिक इरेजर टूल, ठीक है दोस्तों। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें और मेरे वीडियो को कमेंट करना ना भूलें और प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल।